नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डीआईवी कॉम राघव लैंगर, एक्स सरपंच सतपाल शर्मा, सोशल वर्कर सरदार निर्मल सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र सिंह सन्नी ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से कठुआ को प्रदूषण मुक्त और साफ सुथरा करने की गुहार लगाई। सतपाल शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सिर्फ कागजों पर ही विकास हो रहा है। एक तरफ से लोग कोरोना महामारी से परेशान हैं और दूसरी तरफ रेलवे मार्ग पर प्रदूषण की समस्या दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। रात्रि के समय यहाँ फैक्ट्री चलती है और पूरा शहर इससे प्रभावित होता है। ना तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन पर कोई कार्यवाही करता है। फैक्ट्री का जहरीला धुआं रात्रि के समय आसपास के गांव में फैल जाता है, जिससे आमजन को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कठुआ से हमारे संवाददाता विकास पंडित की रिपोर्ट। मेरा नाम सतपाल गुप्ता, एक्स सरपंच से। बिल्कुल सर, मैं आपके माध्यम से बिल्कुल प्रदूषण के बारे में खुली बात करूंगा और ओपन बात करूंगा कि इस प्रदूषण के लिए हमारी 20 साल से जद्दोजहद चल रही है और जो कठुआ इंडस्ट्री एरिया है हमारे हिंदुस्तान में एक मिसाल बनी हुई है, क्योंकि कठुआ सिटी जो है इसके पूरे सेंटर में इंडस्ट्री एरिया जो है गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि जैसे जो आपके नीतिकर लोग होते हैं, जो प्लानिंगें बनाते हैं, वो उन लोगों को सूझबूझ होनी चाहिए, उनको ग्राउंड रिपोर्ट का पता होना चाहिए, अगले आने वाले 10 सालों के लिए उनको जानकारी रखनी चाहिए कि इंडस्ट्री एरिया कहां पर बनाया जाए। हमारे कठुआ के अंदर 1956 में पहली बार बख्शी गुलाम मोहम्मद जी ने दो कारखाने लाए थे, जो चिराग टेक्सटाइल मिल और सेरामिक्स। और चक राम सिंह गोविंद सर, रहने वाला रेलवे रोड का रहने वाला निवासी हाँ। मैं सर आपके माध्यम के विच कहना चाहना कि ये साढ़े आ जड़िया लागे लागे फैक्ट्रिया ने इन्ना के प्रदूषण है कि इतने रात को लंघिया नहीं जाता। कई बार जदों तुसी मोटरसाइकिल ते आप जाके वेखो मुंह दे उत्ते रोले वजदे आ, ऐनक तो बगैर तुसी मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। लेकिन कई बार पत्रकारी दे माध्यम से कई बार असा इत्थे दस्या, लेकिन किसी सरकार दे किसी अहुदेदार दे कन्न तक जू नहीं सरकी कि किसी ने आके साडा हाल ही पुछिया होवे कि भाई तुहाडा की हाल है, तुसी रोज पत्रकार वार्ता करते हो, तुहानू की तकलीफ है जां की गलबात है। लेकिन कोई पुछण नू तैयार ही नहीं है। मर रहे हैं, मर रहे गरीब जनता है, कोई पुछदा नहीं, कोई कुछ नहीं। इत्थे पूरी दी पूरी जिन्नियां फैक्ट्रियां सारियां दे प्रदूषण दा इन्ना बुरा हाल है। सिंह है, मैं वार्ड नंबर 6 कठुआ का रहने वाला हूँ। सर जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि रात को मैं भी कई बार लखनपुर से आता हूँ तो रात को काफी ज्यादा इंडस्ट्री जो है वो रात को चलती है, दिन को इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं चलती है। आई दिनों इंडस्ट्री एरिया हटली मोड़ में है, तो हम लोग कठुआ में रहते हैं, तो इंडस्ट्री का जो पोल्यूशन है इनका प्रभाव जो है ये कठुआ के वार्ड तक भी पहुंच गया है। तो ये सबसे ज्यादा नेग्लिजेंसी हमारे पोल्यूशन डिपार्टमेंट की है। जितनी भी ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट की मिली भक्ति से जो जितने भी जो कारखाने हैं चल रहे हैं, आज दोनों आप देख रहे थे कि कोरोना की महामारी से पूरा भारत जूझ रहा है। अभी तीसरी लहर थोड़े दिनों में बता रहे थे कि आने वाली है। तो इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से डीसी साहब और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं, इनको आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे यहां बहुत बड़ी एक महामारी जो कोरोना की चल रही है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।